बल्लभगढ़ से आपकी पार्टी के विधायक हैं जी, बिल्कुल है। तो भारत भूषण को पार्टी और बल्लभगढ़ क्यों चुने, भारत भूषण के पास क्या योजनाएं हैं? फरीदाबाद के अंदर मैं जहां तक देख रहा हूं उसमें बल्लभगढ़ भी आ जाएगा जी, बिल्कुल। पहली बार पानी की, पीने के पानी की दिक्कत हुई। जल भराव तो हमेशा होता है जी, जल भराव तो हमेशा से ही रहता है। पानी के निकासी का तो व्यवस्था न आपकी सरकार से बनी न किसी और सरकार से बनी, तो पेयजल आप दे नहीं सकते, आपकी सरकार नहीं दे पाई, पानी की निकासी हो नहीं पा रही। बिजली के लिए मैं अभी एक सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि आईएमटी के लोग आंदोलनग्रस्त हो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही। सड़कों की बात अगर मैं करूं तो सेक्टर 22 और 23 चले जाए बल्लभगढ़ में पड़ता है, सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर है वहां की। जब यहां ही विकास नहीं हुआ, ये तो आधारभूत चीजें हैं। जब आपकी सहायक आपकी पार्टी के मंत्री वही मुहैया नहीं करा पाए तो फिर और आगे क्या उम्मीद की जाए। भारत एक युवा देश है, युवाओं के अपने दुनिया होती है, अपना संसार होता है। और अगर आप माने तो आज राजनीति के अंदर युवाओं का एक अलग क्रेज बन रहा है। जो वर्तमान संसद है यानी कि 18वीं लोकसभा, इसके अंदर 268 सांसद ऐसे हैं जो पहली बार बनकर आए हैं। अकेले अगर उत्तर प्रदेश को ही देखें तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 10 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं कि जिनकी उम्र 25-26 साल के आसपास है। यानी कि जो बढ़ता हुआ भारत, बढ़ता हुआ युवा और उसके अंदर फिर राजनीति की तरफ बढ़ते हुए कदम, कुछ इन्हीं बातों को लेकर आज मैं आपके साथ रूबरू हूं। एक फरीदाबाद के विधानसभा क्षेत्र है, फरीदाबाद जिले का विधानसभा क्षेत्र है बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी युवा शख्सियत भारत भूषण से। नमस्कार। युवा हैं, शिक्षाविद हैं, शिक्षा के, मैं शिक्षा को पेशा नहीं कहूंगा क्योंकि शिक्षा पेशा नहीं हो सकता, शिक्षा के क्षेत्र से मैं कहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र से हैं। और दो स्कूल चलाते हैं आप जी सर, कुंदन वैली के नाम से इनका स्कूल चलता है, और इसके साथ साथ राजनीति के अंदर भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। राजनीति के अंदर आने का क्या उद्देश्य है भारत भूषण जी? देखिए, राजनीति का एक ही उद्देश्य होता है जी, वो होता है समाज की सेवा करना। मैंने शिक्षा के माध्यम से 20 साल बल्लभगढ़ शहर को दिए, और मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि बल्लभगढ़ ने भी मुझे प्यार देने में, आशीर्वाद देने में और लौटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना मैंने दो झोंपड़ियों से स्कूल शुरू किए और आज मेरे दो बड़े स्कूल हैं फरीदाबाद के अंदर, तो ये बल्लभगढ़ की जनता का असीम प्यार और अनुकंपा है। अब मुझे लगता है कि मुझे भी बल्लभगढ़ की जनता को कुछ लौटाना है, और वो लौटाने का एक ही तरीका है, उनकी सेवा करना, समाज सेवा करना। और समाज सेवा के लिए जो मैं सबसे सशक्त माध्यम समझता हूं वो राजनीति समझता हूं, क्योंकि आप किसी इंडिविजुअली एक मदद कर सकते हैं, दो मदद कर सकते हैं, 10 लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरा शहर जब आपकी तरफ, मास्क की अगर करना हो, मास्क की बात करनी है, तो पूरा शहर जब आपकी तरफ देखता हो तो निश्चित तौर पे आप तभी ये मदद कर सकते हैं जब उन योजनाओं की उन्हें फायदा मिले जो सरकार द्वारा संचालित है, और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी घर घर तक पहुंचा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए हमने राजनीति में कदम रखा है, और इसीलिए हम बल्लभगढ़ की सेवा करने के उद्देश्य को लेकर के राजनीति में आए। जो आपका बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जी, अगर मैं इसको मानूं तो इतिहास के अंदर बहुत कुछ संजोए हुए हैं जी, राजा बल्लू की नगरी, बलभद्र की नगरी, बलदाऊ जी से भी जोड़ा जाता है इसको जी, राजा नहर सिंह की नगरी जोड़ा, बिल्कुल ठीक है, संत सूर की नगरी, सूर की नगरी, बिल्कुल ठीक है। इस सब के बावजूद बल्लभगढ़ को कहां पा रहे हैं आप? सबसे पुरानी तहसील है फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़, अंग्रेजों के जमाने की तहसील बल्लभगढ़ सबसे पहले है। हाँ जी, विकास के मामले में कहां पा रहे हैं बल्लभगढ़ को? देखिए, अगर हम बात विकास की करें तो विकास बल्लभगढ़ में हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि विकास नहीं हुए हैं, लेकिन उस विकास से कितने लोग जुड़े हैं यह देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बल्लभगढ़ से जस्ट 100 मीटर दूर बल्लभगढ़ से आईएमटी बनी है, कितने लोगों को रोजगार है, कौन उनकी आवाजें उठा रहा है, कौन उनको वहां तक लेकर के जा रहा है। आज हमें जरूरत है कि जो विकास कार्य हुए हैं, जो सरकारी योजनाएं आई हैं, जो सरकार के फायदे हुए हैं, वो बल्लभगढ़ की जनता तक पहुंचाना, तब बल्लभगढ़ का विकास होगा। उनकी मनोस्थिति को समझना, तब बल्लभगढ़ का विकास होगा। उन लोगों को उन योजनाओं से जोड़ना, उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना। आपने कहा बल्लभगढ़ ऐतिहासिक नगरी है, उस ऐतिहासिक नगरी के अंदर जो लोग हैं, आज आप देखें कि बल्लभगढ़ की अंदर
पूरा हिंदुस्तान समाया है, सारे प्रवासी, क्योंकि सब लोग रोजगार के तलाश में, शिक्षा की तलाश में, अच्छा चाल चलन की तलाश में लोग शहरों में आते हैं और अपने गांव में बड़े बड़े महल, बड़े बड़े जमीन छोड़ करके वो यहां तक पहुंचते हैं। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा चाहिए। अब उन लोगों को, उन प्रवासी लोगों को जब बल्लभगढ़ की व्यवस्थाओं से जोड़ा जाएगा तब बल्लभगढ़ का विकास सुनिश्चित होगा ना। अगर आप केवल सड़कें बनाना विकास कहते हैं तो मेरा ये मानना है कि सड़कें बनाना कोई विकास नहीं है। उन चीजों से जोड़ना, लोग जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा लोगों को एक एक स्वाभिमान उनका लौटाना, उन लोगों की परेशानियों को जाकर के समझना, उन लोगों को महसूस कराना कि बल्लभगढ़ के जो लोग हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं प्रवासी लोगों का, तभी तो बल्लभगढ़ बना है ना। ये तो मात्र एक छोटी तहसील ही तो था जी, आज बल्लभगढ़ एक शहर है। शहर किसकी बदौलत है संजय जी? मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, मेरी बदौलत या आपकी बदौलत नहीं, सारे भारतवासी जब बल्लभगढ़ के अंदर आए, प्रवासी लोग आए, तब इस शहर को पहचान मिली, असली पहचान। और आज उस पहचान से अगर हम लोगों को जोड़ेंगे, व्यवसाय से जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे, स्वास्थ्य से जोड़ेंगे और उनके परेशानियों को समझेंगे, तो हम कहेंगे कि हम असली बल्लभगढ़वासी हैं और हमने अपने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। भारत भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी से आप काम कर रहे हैं जी, बीजेपी आपकी पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी के बल्लभगढ़ से लगातार दो बार से विधायक हैं जी। पहली बार विधायक थे, दूसरी बार 2019 में जब विधायक बने तो पावरफुल मिनिस्टर हुए जी। ट्रांसपोर्ट जैसा उनके पास डिपार्टमेंट रहा, इस समय उनके पास खाद्य आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण विभाग है जी। आप कह रहे हो विकास के मामले में आपने बहुत सारी बातें गिनवाई, आधारभूत, आपने कह दी सड़कों से विकास नहीं, तो फिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, कमी रही है नहीं रही है ये मैं नहीं जानता। आज कौन मंत्री है, कौन कल होंगे, ये मैं नहीं जानता। ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है कि हम अगर बल्लभगढ़ वासी हैं तो बल्लभगढ़ की आवाज को बुलंद करना। हमारा काम है कि हम बल्लभगढ़ के अंदर जो लोग आज जिस तरीके की मूलभूत समस्याओं से अगर परेशान है तो उन बातों को सरकार तक पहुंचाना, ये भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है। आज हम सरकार के नुमाइंदे हम भी हैं, एक कार्यकर्ता भी सरकार का नुमाइंदा होता है। अगर मैं भाजपा का सेवक हूं, भाजपा पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, भाजपा का कार्यकर्ता हूं, तो मेरा भी यह अधिकार है कि मैं लोगों की परेशानियों को, क्योंकि हमारे पास ही लोग आते हैं, हमें समझना होगा कि शीर्ष नेतृत्व तक लोग नहीं पहुंच पाते। जो आम कार्यकर्ता होता है, जो गली गली में घूमता है, घर परिवार को देखता है, कार्यकर्ता सेतु है, कार्यकर्ता सेतु पुल है, पुल है सरकार और जनता के बीच। और वो सेतु होने के नाते हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि हम अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रख सकें। आने वाला समय तय करेगा कि बल्लभगढ़ किसके हाथ में जाएगा, वो पार्टी का काम है, किसको टिकट मिलती है पार्टी का काम है। लेकिन क्या हम उस भावना को लेकर के आवाज उठाना बंद कर दें? आज बल्लभगढ़ आवाज उठाता है कि बल्लभगढ़ के अंदर रहने वाला आदमी कोई विधायक बने, बल्लभगढ़ का कोई ऐसा आदमी चुन करके आए जो बल्लभगढ़ में विधायक बनने के बाद या कोई भी ऑफिस ऐसा कोई पद पे आने के बाद वो बल्लभगढ़ में रहे। ये बल्लभगढ़ का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि बल्लभगढ़ के अंदर कोई भी आज से आप 20 साल का इतिहास उठा ले, लोग बल्लभगढ़ में यहां नेता बनते और बल्लभगढ़ में रहते नहीं है। बल्लभगढ़ की जनता की आज पुरजोर डिमांड है, तभी हम निकल करके आए, तभी हम बाहर आए निकल करके, कि बल्लभगढ़ का जो नेता हो वो बल्लभगढ़ में ही सोता हो। बल्लभगढ़ को आज नेता नहीं, एक बेटे की तलाश है और उस तलाश को हम पूरा करने का प्रयास करें। आप ये कह रहे हो आपके विधायक हैं जो मंत्री हैं जी, उनका सेक्टर 2 के अंदर उनका निवास भी है मुझे लगता है और कार्यालय भी है। देखिए, ये तो बल्लभगढ़ की जनता बताएगी, ये तो बल्लभगढ़ की जनता से आप पता कीजिए। आपने हम तो परेशानियां जो आ रही है क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, आपने कहा 20 साल से नहीं मिला जी, शारदा राठौर बल्लभगढ़ में उनका ऑफिस है जी, ये नहीं है? नहीं, आप ऑफिस होने से क्या होता है संजय जी, आज आप देखिए आपका ऑफिस भी यहाँ है लेकिन आप शाम को तो घर अपने जाते ही होंगे ना। अब वो आपकी कौन सी जगह है वो बहुत विशेष महत्व रखता है। आज जनसेवा पार्ट टाइम नहीं रही, मूलचंद शर्मा जी का ऑफिस भी है और घर भी है बल्लभगढ़ में, मेरे तो नॉलेज में घर कहीं है नहीं, ऑफिस तो जरूर हम गए हैं और हमने देखा है। आप एक बात देखिए कि आज जनसेवा कोई पार्ट टाइम नहीं है, आज जनसेवा 24 घंटे की। आज परेशानियां समस्या किसी भी, आज बरसात का मौसम है, रात को लाइट चली गई, अगर मुझे उसका आभास ही नहीं होगा तो मैं क्या मदद करूंगा जाकर के, जब मुझे उसका आभास होगा तब मुझे मैं मदद करूंगा ना। तो हमें आज बल्लभगढ़ की आवाज बन चुकी है, बल्लभगढ़ के अंदर रुकना, भाई देखिए अगर आपको कहीं भी कार्य करना है तो वहां आपको ठहरना होगा,
वहां आपको उनके लोगों के बीच में रहना होगा, तभी आप उनकी व्यथा को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। और अगर आप वहां ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, तो आपकी व्यथा को कैसे समझ पाएंगे? और ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि उनका नेता उनके बीच में रहे, हर वक्त मौजूद हो, 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल हो, ये तो लोग चाहते हैं। तो इसमें इसमें हर कार्यकर्ता भी यही चाहता है, आज कार्यकर्ता भी चाहता है कि उसका नेता उसके बीच में हो। ठीक बात है। तो कौन चाहेगा कि भाई किसके पास आज समय है परेशानियों को लेकर के? आज आप देखिए कि अगर हम गली में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, तो जब हमें किसी तरीके की कोई बात होती है, तो जब उनके बीच में होंगे तभी तो सुन पाएंगे, अगर उनके बीच में नहीं होंगे तो कैसे सुन पाएंगे। अभी आपने कहा कि विकास सड़कों से नहीं होता, एक आपने खुद बात कही अभी जी, और दूसरा आपने कहा कि बिजली पानी और आजकल बरसात हो रही है सारी बात। फरीदाबाद के अंदर मैं जहां तक देख रहा हूं उसमें बल्लभगढ़ भी आ जाएगा जी, बिल्कुल। पहली बार पानी की, पीने के पानी की दिक्कत हुई। जल भराव तो हमेशा होता है जी, जल भराव तो हमेशा से ही रहता है। पानी के निकासी का तो व्यवस्था न आपकी सरकार से बनी, न किसी और सरकार से बनी, नंबर एक जी। दूसरा आपने कहा कि सड़कों वाली बात, तो पेयजल आप दे नहीं सकते, आपकी सरकार नहीं दे पाई, पानी की निकासी हो नहीं पा रही। बिजली के लिए मैं अभी एक सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि आईएमटी के लोग आंदोलनग्रस्त हो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही। सड़कों की बात अगर मैं करूं तो सेक्टर 22 और 23 चले जाए, बल्लभगढ़ में पड़ता है, सड़कों की हालत बिल्कुल जर्जर है वहां की। जब यहां ही विकास नहीं हुआ, ये तो आधारभूत चीजें हैं, जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी के विधायक, आपकी पार्टी के मंत्री वही मुहैया नहीं करा पाए, तो फिर और आगे क्या उम्मीद की जाए? देखिए संजय जी, ये कह देना कि विकास नहीं हुआ, ये नहीं है। मैंने, मेरा वक्तव्य ये था कि मात्र सड़कों से विकास नहीं होता, हमें लोगों के घर घर तक पहुंचना होगा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ऊपर से बोलते हैं ना, तो आप देखेंगे कि घर घर तक वो आवाज पहुंचती है। एक नेता यह तय करता है, एक लीडरशिप यह तय करती है कि समाज को किस चीज की जरूरत है और उसके लिए कैसे आवाज को बुलंद करना है। विकास बहुत अभूतपूर्व विकास हुए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में, मैं समझूंगा कि पूरे हरियाणा के इतिहास में आपको इससे ज्यादा ईमानदार मुख्यमंत्री शायद ही कभी मिल पाए, ये मैं बहुत कॉन्फिडेंसली बोलना चाह रहा हूं आपको। क्यों? पर्ची खर्ची को जो बंद किया माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूरे भारतवर्ष के अंदर लगाई माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लगाई। और जितने भी आज आप मुझसे ही नहीं, आप विपक्ष से जाकर के पूछिए कि जी आज तक के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री का नाम दो, तो एक सुर में आवाज आएगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के रहे, और विकास कार्य अभूतपूर्व विकास कार्य ना कि केवल हरियाणा में बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हुए हैं। अब आप बात करते हैं आज की परिस्थितियों की, तो देखिए बरसात का आना ये एक एक आकस्मिक एक ऐसा चीज होता है, हमें निश्चित तौर पे प्रशासन के ऊपर जो जो अंकुश है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा लोकल नेतृत्व में कमजोर है, क्योंकि ये जब नालियां जो आज साफ हो रही हैं, मैं बल्लभगढ़ का बासिंदा हूं, कल भी वहां मैं, कोई ये नहीं झूठ, आप अखबार में पढ़िए, अखबार में मैंने पढ़ा है, सोशल मीडिया के माध्यम से धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं, वो काम आज से एक महीने पहले भी किया जा सकता था, नालियां पहले भी साफ की सीवेज ब्लॉक पड़े हैं, भीषम कॉलोनी, देखिए जब ब्लॉक होगा तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो जनता आएगी, जनता आएगी तो वो कार्यकर्ताओं से पूछेगी। आज हमें परेशानी होती है, हमारे पास फोन आते हैं, भैया आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आप क्या कर रहे हो, आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हो, आप बीजेपी के लिए झंडे उठा रहे हो। हमने राम मंदिर के टाइम पे उन घरों में दीपदान किया, हमने माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के समय में उनके घर घर जाकर के वोट दी, नरेंद्र मोदी जी की योजना, तो आज वो किसको पूछेंगे? फोन नंबर तो हमारे हैं उनके पास, आज वो हमसे पूछते हैं कि भाई साहब पानी भरा है इसका समाधान क्या करो। जब आप फोन कर रहे हो किसी प्रशासनिक अधिकारी को तो टालमटोल चल रहा है। तो जो अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार अब आई है, तो आपने देखा होगा उन्होंने पहला वक्तव्य जो दिया, सबसे पहले इन्होंने बोला कि आज से हमारे कार्यकर्ताओं की जो सुनवाई होगी, कार्यकर्ता अगर किसी सही योजना को लेकर के जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों के पास, तो उन्हें सुनना होगा, नहीं सुनना होगा तो ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होगी। ये पहले कमी रह गई थी क्या? देखिए मैं ये मानता हूं कमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने एक प्रयास किया है। जैसे उन्होंने हमारे जिला, कुछ जिलाध्यक्षों को एसडीएम डीसी और इन सबके पास 2 घंटे की जो बैठाने की योजना है, मैं कहूंगा इतनी अभूतपूर्व योजना है कि एक लोकल नेतृत्व का आदमी वहां बैठा है और वो बैठ करके
लोकल परेशानियों को समझ रहा है, क्योंकि कई दफे ऑफिसर और आम जो लोग होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन गैप रहता है, उसको दूर करने के लिए ये निर्णय किसका है? ये हमारी सरकार का है जी। तो हमारी सरकार इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से सोच रही है। लेकिन अगर सरकार के साथ साथ लोकल नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सा तालमेल बैठ जाए तो वो दिन दूर नहीं है जो फरीदाबाद स्वर्ग जैसा दिखाई देगा, कोई ऐसी परेशानी। चलिए बल्लभगढ़ और भारत भूषण पर आते हैं सीधे वापस। जी जी, बल्लभगढ़ से आपकी पार्टी के विधायक हैं ही। जी बिल्कुल है। तो भारत भूषण को पार्टी और बल्लभगढ़ क्यों चुने? भारत भूषण के पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैंने संजय जी आपको पहले भी कहा, हमारे पास विधायक भी है, हमारे पास मंत्री भी हैं और बड़े अच्छे कार्यशैली भी उनकी है, तो कोई इसमें नहीं। भाजपा के अंदर कभी भी कोई स्थायी नहीं है। भाजपा पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आदमी की कार्य क्षमता को देख करके, कुशलता को देख करके, आदमी के व्यक्तित्व को देख करके उसको किसी भी कार्य में बुला सकती है, लगा सकती है। क्या आज किसी को पता था कि सैनी साहब हमारे सीएम होने वाले हैं? खट्टर साहब की सरकार बहुत बढ़िया चल रही थी जी। अचानक से सैनी साहब को मौका दिया और फिर लोगों ने लिखा अभी खट्टर साहब का क्या होगा। आज आप देखिए खट्टर साहब देश को चला रहे हैं, बिजली मंत्री बने हैं हमारे, बहुत बड़ा दायित्व उनके ऊपर मिला, बहुत बड़ा कद उनका कर दिया गया। कब किसको कहां कैसे इस्तेमाल करना है, कहां प्रयोग करना है, ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, भाजपा के अंदर ही यह है कि वो अपनी अगली पीढ़ी पहले ही तैयार करके चलते हैं। आज हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, थे, रहेंगे, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आवाज को पहुंचाएं, अपने उस कार्य को पहुंचाएं, कार्यशैली को पहुंचाएं। अब पार्टी ने यह तय करना है कि भाई हमारे अंदर कुशलता होगी जी तो वो हमें इस सेवा के लिए चुनेंगे, अगर पहले नेतृत्व से वो खुश हैं तो उनको कंटिन्यू करेंगे, किसी और चेहरे पे वो कहना चाहें कि भाई कोई और ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता है तो उसका भी स्वागत है। बल्लभगढ़ सबका है और पार्टी सबकी है, सबका समान अधिकार है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर एक इंसान को कुछ भी कहीं तक भी पहुंचने का अधिकार है जी। तो हम अपने मेहनत कर रहे हैं, हम केवल मेहनत कर सकते हैं और शीर्ष नेतृत्व तक ये बता सकते हैं कि अगर वो किसी भी तरीके का सेवा का मौका हमें देंगे तो जनसेवा में हम पहले भी करते रहे और अभी पीछे हटेंगे। बदलाव तो प्रकृति का भी नियम है, बदलाव भाजपा का भी नियम है, बदलते रहते हैं जी जी। चलिए अंतिम सवाल जी सर, बल्लभगढ़ को लेकर अगर आपको मौका मिलता है तो क्या योजना है? बिल्कुल स्पष्ट योजना है सर, बल्लभगढ़ के अंदर एक सामंजस्य जो बनाना है एक लोगों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों और एक शीर्ष नेतृत्व के साथ, एक जो कड़ी है, जो ब्रिज होता है ना सर, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर ये माइक कभी खराब हो जाए तो मेरा और आपका इंटरव्यू लेने का फायदा नहीं है। ये हमारे और आपके बीच में सेतु का काम करता है। एक नेता को आम जनता और शीर्ष नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में एक सेतु बनकर के काम करना होता है और वो तभी संभव है जब आप आम जनता से कनेक्ट रहो, जुड़े होंगे उनकी परेशानियों से, आपको मूलभूत परेशानियों के बारे में आपको पता होगी, उनसे उनके उनकी आपके अंदर एक चेतना हो कि भाई आप जो लोकल लोगों की परेशानियों को शीर्ष नेतृत्व तक प्रशासनिक अधिकारी, तो सेतु बनने का काम सर, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी चीजें आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्टवादी इंसान हूं और मैं कहना चाहूंगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बल्लभगढ़ की जनता का एक सेतु बनकर के कार्य करूंगा। बल्लभगढ़ के विकास के लिए मेरे पास अनेकों अनेक योजनाएं हैं, लेकिन फिर प्रश्न वही आ जाएगा कि क्या विकास नहीं हुए? तो विकास खूब है और करने की बहुत उम्मीदें भी हैं, हमेशा गुंजाइश रहती है और मैक्सिमम नो लिमिट पे होता है। तो लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बल्लभगढ़ की जो जनता है उसके बीच में और नेता के बीच में जो सामंजस्य है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि नेता जनता के पास पहुंचे और कहीं ना कहीं उनकी संवेदनाओं को जाने, उनकी परेशानियों को जाने और उनकी परेशानियों को दूर करे, क्योंकि नेता के हाथ में ही प्रशासनिक अधिकारियों को चलाने की शक्ति होती है। तो बल्लभगढ़ के अंदर जब हमें कभी सेवा का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे अनेकों अनेक विकास कार्य भी होंगे और जनता के अंदर जो स्वाभिमान उनका पुनः लौटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी अभी आपने कहा, अंतिम सवाल था पर एक लास्ट एक बार, जी जी, अभी अभी आपने कहा कि जो श्री राम मंदिर का जो शिलान्यास था और प्राण प्रतिष्ठा थी, आपने कहा मैंने घर घर दीपक, दूसरा आपने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जी का लोकसभा चुनाव था, घर घर जाकर वोट मांगे जी, जी। तो इसका मतलब आपने कनेक्टिविटी की। कितनी उम्मीद है कि पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? देखिए, ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, हमारा काम भाई साहब काम करना है। हम ये कहते हैं पार्टी हम पर विश्वास करे या ना करे,
हमें पार्टी पे पूर्ण विश्वास है, हमें लोगों की सेवा करनी है। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति ही केवल समाज सेवा का माध्यम नहीं है। अगर कोई इंसान सच्चे मन से ठान ले कि उसे लोगों की सेवा करनी है, लोगों की आवाज बुलंद करनी है, लोगों के लिए कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है जो कि लोगों को फायदा हो, तो उसमें जरूरी नहीं है केवल राजनीति, नहीं है और बहुत तरीके हैं। हम फिर 5 साल लोगों की सेवा करेंगे और फिर पार्टी को कहेंगे कि आने वाले समय में कभी हमें मौका मिले, क्योंकि हमारा विश्वास जनता में है और भाजपा में है, दोनों विश्वास से हम पीछे हट नहीं सकते। तो एक ही तरीका हमारे पास ये होगा कि हम लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या को शीर्ष नेतृत्व तक पुनः पहुंचाएंगे और जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा, ऐसी कोई परेशानी। उम्मीद है पार्टी मौका देगी और जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसे। आपने चैनल में सबसे पहले आपने शो में बोला है कि युवाओं के पार्टी बड़ा, तो हमें भी उम्मीद है और उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं, और युवा है और मेहनत करना चाहते हैं, अगर पार्टी चाहेगी तो निश्चित तौर पर पार्टी को विजयश्री का आशीर्वाद हमें मिलेगा, तो आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हम विजयश्री को आगे बढ़ा लेकर चले। तो ये है भारत भूषण, जिनको लगता है कि युवाओं का, मैंने पहले ही कहा था कि युवा आगे बढ़ रहा है और भारत भूषण भी समझते हैं क्योंकि वे भी यूथ हैं, यूथ के लिए उनके पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और लोगों के साथ कनेक्टिविटी है। बता रहे हैं कि पिछले काफी समय से जनता के साथ जुड़े हुए हैं और उम्मीद है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। आगे भी आपके साथ ऐसी शख्सियत जुड़े करेंगे और उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या कार्यक्रम हैं, आपसे कंटिन्यू रूबरू कराएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार।